ये खटीमा से खबर है। खटीमा में टोल टैक्स कर्मियों के साथ दबंगों ने पिटाई कर दी और अब पिटाई का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पीड़ित टोल टैक्स कर्मियों ने प्रशासन से दबंगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। ये मारपीट का सीसीटीवी फुटेज है और इस फुटेज के आधार पर पुलिस पड़ताल कर रही है। टोल टैक्स कर्मियों के साथ मारपीट यहां पर हो गई। अब मारपीट की वजह क्या रही है ये भी जानकारी टोल टैक्स कर्मियों से ली जाएगी और दबंगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग टोल टैक्स कर्मी कर रहे हैं। धर्म संसद में हेट स्पीच में जेल जाकर सुप्रीम कोर्ट से जमानत पर रिहा हुए जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी उर्फ वसीम रिजवी और उत्तराखंड हाईकोर्ट से जमानत मिलने पर रिहा हुए उत्तराखंड काली सेना के प्रमुख स्वामी दिनेशानंद भारती महाराज ने हरिद्वार स्थित शांभवी धाम में पीठाधीश्वर पूज्य स्वामी आनंद स्वरूप महाराज की मौजूदगी में रुद्राभिषेक किया, हिंदू राष्ट्र के लिए आशीर्वाद दिया। कुमाऊं और नागा रेजिमेंट के जवानों ने कपकोट के सुंदर ढूंगा की माउंट दुर्गा कोट पर्वत का सफल अभियान पूरा कर लिया है। जवानों ने चोटी में जाकर तिरंगा फहराकर अभियान को सफल बनाया। तस्वीर भी दिखा रहे हैं। पहली बार सेना के दल ने इस चोटी पर जीत हासिल की है। कुमाऊं और नागा रेजिमेंट के जवानों का दल पिछली 9 मई को खरकिया पहुंचा था और कपकोट से खरकिया तक जवानों को छोड़ने के लिए थाना अध्यक्ष और पुलिस की टीम यहां पर गई हुई थी। 10 मई से 20 मई तक दल का अभियान चला और 21 मई को दल 5800 मीटर ऊंची दुर्गा कोट चोटी को फतेह करने में सफल हो गया। रुड़की के ढंडेरा निवासी आकाश मधवाल का आईपीएल में चयन होने पर खुशी का माहौल है। खिलाड़ी आकाश मधवाल का चयन मुंबई इंडियंस टीम के लिए हुआ है और आईपीएल खिलाड़ी आकाश मधवाल चयन के बाद अपने आवास ढंडेरा पहुंचे। उनका ढोल नगाड़ों के साथ जोरदार स्वागत किया गया। आईपीएल खिलाड़ी आकाश मधवाल ने दीपक गंगा से बातचीत में कहा कि आईपीएल के दौरान सीनियर खिलाड़ियों के साथ बिताया गया समय अच्छा रहा, उनसे सीखने को मिला। बहुत मेहनत के बाद मुझे मिला है और एक सपना था कि पहले आईपीएल खेलना है फिर इंडिया खेलना है। अब वो धीरे धीरे इंडिया भी जाएगा, सपना मेहनत कर। ये जलाल रुड़की से और खेल रहा है ऋषभ पंत, अब आपका आईपीएल में चयन हुआ है तो कितनी खुशी मानते हैं और किसे श्रेय देना चाहते हैं आप? खुशी बहुत है, मतलब जब पहली बार कोच ने कहा था कि हम आपको स्क्वाड में शामिल कर रहे हैं तो बहुत अलग फीलिंग थी। उसके बाद सबसे पहली कॉल मैंने मम्मी को ही करी थी, मम्मी को बताया तो मम्मी ने फिर मुझे एक लाइन कही थी कि यहीं तक नहीं है आगे और जाना है, तो उसके बाद मैं संभल गया था। फिर मैंने सोचा था कि हाँ फ्यूचर भी और आगे जाना है, तो बहुत अच्छा लगता है। मम्मी का बहुत अच्छा मोटिवेशन है, मम्मी मुझे बहुत सपोर्ट करती है।